असलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के भी स्पेशल की तरह गाड़ी भी लेकर आया है। इसका नाम है पोर्शे कायन। 2013 मॉडल है, 13 और 12 इन दोनों के दरमियान में है। ये इसके नॉर्मल रिम्स हैं, ये भी ये इस साइड पे देखें नॉर्मल रिम है इसकी। ये ब्रेक्स हैं नॉर्मल भी, लेकिन तभी स्पोर्ट कार है। ये इसके इधर इशारे इशारे नहीं है साइड पर, ये वैसे एक स्टीकर ऐसा अच्छी लगेगा नहीं बस। अब आप लोगों को आगे से बता दीजिए, इसके स्पेशली इधर भी इशारे हैं देखें। आगे से बहुत ऊंची है, इधर से देखें नीचे ऐसे जाती आगे लग सकती भी नहीं है। देखो इसके ये लाइट्स हैं, ये इसकी लेड लाइट है। इस दरमियान में इधर नीचे इशारे होते हैं, इसके ऊपर एक और लाइट, जिसके देखें इधर पोर्शे लिखा हुआ है। ये इसके ये टर्न लाइट है ये वाले, इधर से रेडिएटर की तरफ हवा जाती है टायर और ब्रेक्स ठंडे करने के लिए। इधर भी नीचे देखें आप लोगों को नजर आ रहा है, ये इधर भी इधर से भी ठंडे करते हैं और दूसरे साइड पे भी है। इसके टायर इंच 19 है। अब आप लोगों को ये साइड दिखाते देखें, ये सारा कुछ ब्लैक है, ये भी ब्लैक कलर भी इसका ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी इसके अंदर भी सारा कुछ ब्लैक है। और नॉर्मल इसके इस साइड पे प्लास्टिक के भी होते हैं, वो भी ब्लैक होते हैं। अब आप लोगों को पीछे से दिखाते हैं, देखें इसके ये लाइटें हैं, ये इधर सारे होते हैं वैसे, देखें ये छोटे छोटे डॉट की तरह लाइटें हैं इसकी। इसमें नया भी मॉडल आया था इसकी तरह सेम है सीधा से। देखें ये इधर पोर्शे कायन लिखा हुआ है, इसके जिससे दो साइलेंसर हैं, देखें बहुत प्यारे लगते हैं। इसके रिफ्लेक्टर लाइट्स हैं, लाइट नहीं है रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। ये स्पॉइलर है, स्पॉइलर में एक ब्रेक वाली लाइट लगी हुई है और ये इसके वाइपर है। अब आप लोगों को हम डिक्की खोल के दिखाते हैं, ऐसे दबाना होता है पर खुद ही खुल जाती है। देखो इसकी वो बहुत खुली डिक्की है, देखें इसको पीछे खाली करना होता है तो खुद ही पीछे चले जाता है। देखें बहुत खुली है स्पेशली, देखें इधर नीचे टायर भी आ सकता है लेकिन अभी नहीं है, बहुत खुली स्पेशली। देखें इधर हम वो चीज़ें रख सकते हैं एक्स्ट्रा, ये वो चीज़ जिसके साथ कवर उसका आता है। ये देखें इस साइड पे इसकी बैटरी है लगाने के लिए, और ये ऐसे करना होता है वैसे कोई बड़ी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा हिलने टूट जाए, फिर इसके तार लगा के फिर ऐसे रुका सकते हैं, हिलती नहीं है। आगे भी है साइड पे, देखें इसका बटन भी है खुद बंद करने वाला, इधर दबाना होता है फिर खुद ही बंद हो जाती है। जैसे सीट भी नीचे काट सकते हैं, देखें नीचे हो गई है और ऐसे ऊपर करना होता है, पीछे हो जाती है सीटें, ज्यादा भी हो सकती है पीछे, देखें और पीछे हो गई है। आप लोगों को अंदर दिखा वैसे ये दिखा लेता हूँ, ये इधर गन रख लेते हैं छोटा छोटे। देखें इसके स्पीकर देखें किस तरह के हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। इधर हम बॉटल रख सकते हैं और ये ऐसे खोल सकते हैं, बंद भी ऐसे ही करना होता है। देखें बहुत खुली है, देखें इधर से लॉक कर सकते हैं गाड़ी हम खुद ही पीछे वाले। इधर बैटरी लग सकती है, ये इसके एसी हैं, इधर वैसी भी और चीज़ें एक्स्ट्रा लग सकते हैं। देखें बहुत ठीक है इसके, ये टूट सकते भी नहीं है जैसे अन्य गाड़ियों का होता है। अब आप लोगों को ये आर्म रेस्ट दिखाते हैं, ये भी ठीक है। देखें
ठीक है मेरे साइज के लिए, और इधर हम बॉटल भी रख सकते हैं लेकिन छोटी वाली, मेरे साइज में ठीक है। देखिए बहुत ऊंचा है अभी, देखिए ऊपर सनरूफ भी है जिसका मैट जो ऐसे तभी तो सूरज बहुत ही तेज है, फिर आगे कर सकते हैं जैसे दबा के आगे से। ये को आगे से दिखाते हैं, देखे इसके इधर बहुत कंट्रोल है, ये शीशे हिलाने वाले भी हैं, पिछले शीशे भी, ये वाला वो पिछले सारे, और इधर भी दो बटन रख सकते हैं, और इधर से लॉक भी कर सकते हैं पिछले शीशे, और इधर से डिक्की भी खुल जाती है दबा के बटन। देखे इधर से बोनट खोल सकते हैं, देखे ये इसकी चाबी, देखे इसका शेप गाड़ी की तरह चाबी का, और इधर मैं अभी लगाता हूँ खाली, देखते हैं बैठ के। देखे इसका स्टेयरिंग किस तरह का, बहुत प्यारा लगता है, इसका क्रूज कंट्रोल है, इधर ये इंडिकेटर्स है, ये साइड पे वाइपर्स के लिए, ये जो इसमें इधर डिजिटल कंट्रोल नहीं होते वो हिल सकते हैं। देखे स्पेशली मैप भी आता है, और भी ऑप्शन है, देखिए इसमें कितने ऑप्शन है, समझ नहीं आती बंदा क्या किस बटन को दबाएगा, वो क्या फंक्शन होना है। देखिए ये इसका स्पोर्ट है, वैसे कि गाड़ी एक्टिव हो जाए तेज जाने के लिए, इसका ये स्पोर्ट हार्ड सस्पेंशन हो जाता है, इधर नॉर्मल इधर कंफर्ट, ये ऑफ रोड इधर से मोड एक्टिव होता है और नॉर्मल भी रोड वाली नॉर्मल। देखिये ये हीटिंग हीट सीट है, उसका कर सकते हैं तेज होता है स्लो होता है, इधर से आउटर रेस्ट, उसका आउटर एसी चलेगा, ये जैसे नीचे से आएगी साइड से ऊपर, और भी ऑप्शन है। ये देखे इसके डबल इंडिकेटर है, देखे इसकी स्क्रीन देखें किस तरह की है, मीडिया इसमें भी है, और फोन भी, नेविगेशन भी, देखें और भी है मैप, बहुत ऑप्शन है इसमें, कार इंफो और बहुत ज्यादा साउंड बेस है इसकी। देखेंगे देखें ये इधर बहुत ज्यादा ऑप्शन है, ये इधर से छत खोलने वाला पहले आप लोगों को बता दिया था, ये इसके उसे क्या कहते थे पार्किंग सेंसर होते हैं, अभी डिसएक्टिव मैंने कर लिया, अब एक्टिव हो गया है, ये तो कहीं बिल्कुल पास किसी चीज से आ जाए पर वो टून 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 बताती है कि कितनी, इसमें कैमरे नहीं है वैसे होने चाहिए, जीप है। और देखेंगे इधर इसके PRDN और मैनुअल भी है इसमें ड्राइव, देखें इसका डबल शेड है, देखें ऐसे मैं कर सकता हूँ और ऐसे भी, देखें अभी गाड़ी स्टार्ट हुई हुई है, देखें इसमें स्पोर्ट का ऑप्शन आया हुआ कि अभी स्पोर्ट में है गाड़ी, इधर बता रही कितनी चली हुई है, ये इसके RPM है, इधर नेविगेशन कितना पेट्रोल है, देखें इधर बताती है कि कितनी अभी किलोमीटर चल सकती है गाड़ी, ये इसका कितनी गर्म हुई हुई है, इधर ऑयल कितना इंजन का, और भी बहुत ऑप्शन है। ये जैसे इसके मैनुअल गियर है, इधर से ऐसे आगे करना होता है प्लस होता है गियर, पीछे करेंगे माइनस होता है। इसके रेन सेंसर है और लाइट सेंसर, ये अभी आउटो है तब रात हो जाती है लाइट खुल जाती है, और वैसे और ये देखें ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, अब आप लोगों को इंजन दिखाएंगे। इससे पहले थोड़ा सा ऊपर करना होता है, ये इधर एक हैंडल टाइप की, तो देखेंगे इधर से प्रेस होता है, देखेंगे 3.0 है, V6 टर्बो डीजल इंजेक्शन, TDI भी हो सकता है पूरा छोटा करके, इसका बहुत बड़ा इंजन है, देखेंगे इसके, देखें इधर पोर्शे भी लिखा हुआ, काफी बहुत बड़ा इंजन है ये, इसके 245 हॉर्स पावर है, ये स्पोर्ट है, नॉर्मल में 238 होते हैं, इसमें 245 है, इसलिए ये कायन स्पोर्ट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, और गाड़ी भी
मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छी सी गाड़ी सेम उसकी तरह लेकिन कोई और शेप में एक आप लोगों को दिखाते हैं, लेकिन अभी दूसरी जो वीडियो नहीं आएगी गाड़ी की उसमें आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे।